अल्पसंख्यक समुदाय के मामले में जारी की गई अमेरिका की रिपोर्ट के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका भारत को नसीहत देने की कोशिश न करे। राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत जनता है कि धार्मिक सद्भावना क्या होती है और भारत के नागरिकों में ये सद्भावना है और यही कारण है कि भारत में सभी धर्म मिलकर रहते हैं। यही नहीं, राजनाथ ने विपक्ष के उन नेताओं पर भी कटाक्ष किया है जो गाहे बगाहे मोदी सरकार को धार्मिक सद्भावना का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुझे दुनिया का कोई भी देश हो, वहां से किसी के डिक्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं इस बात की चिंता है कि हमारे यहां का हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, पारसी होगा, सभी भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं। हम यह मानकर चलते हैं सभी भाई भाई हैं और इस भाईचारे के रिश्ते को मजबूत करना यह हमारी सरकार का धर्म है। धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, धर्म वापसी, इस चीज को लेकर आपकी सरकार को नहीं गिरा। मेरा यह कहना है कि जिसका यह मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा अन्य दूसरे संगठन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक के लिए तैयार हैं? वो एंटी कन्वर्जन बिल के लिए तैयार हैं? यदि वो तैयार हो जाए तो हम एंटी कन्वर्जन बिल संसद में लाने को पूरी तरह से तैयार बैठे हैं ताकि यह सब सारा सिलसिला समाप्त हो जाए, धर्मांतरण का, घर वापसी का यह सिलसिला समाप्त हो जाए। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की सालाना रिपोर्ट से भारत में बवाल मचना लाजमी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 आम चुनाव के नतीजे आने के बाद भारत में धार्मिक भेदभाव की घटनाओं में इजाफा हुआ है और सत्ता समर्थक हिंदूवादी संगठनों द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां बढ़ गई हैं। यूएस की इस रिपोर्ट के आधार पर विरोधी दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो देश का एक माहौल है उसको बदलने की कोशिश ना करें, जो देश का माहौल है जहां पे हमारे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो एक किसी तरीके से असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनको उस पर ध्यान दें। रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। जब से केंद्र में नई सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने हिन्दुस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों पर हमले, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार को जो दिखाया है, ये तो एक बहुत चिंताजनक स्थिति है और हम लोग पार्लियामेंट में भी इसको उठाने जा रहे हैं। रिपोर्ट में घर वापसी जैसे अभियान के लिए संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद की आलोचना की गई है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि यूएस की रिपोर्ट सीमित स्रोतों से तैयार की गई है। रिपोर्ट तैयार करने वाले भारत के सामाजिक ढांचे के बारे में कम समझ रखते हैं। जो आइसोलेटेड घटनाएं हैं पूरी दुनिया में होती हैं, रंग भेद के तमाम घटनाएं होती हैं, इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं तमाम जगहों पर दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उसके आधार पर आप पूरे देश का आकलन नहीं कर सकते। इसलिए हमारी तो जिन लोगों ने भी आकलन किया है, हमारा तो उनसे प्रार्थना यही होगी कि एनजीओस के लाइसेंस के शर्त पर आप देश के सांप्रदायिक सौहार्द और देश में धार्मिक आजादी का आकलन न करें। हिंदुस्तान जो है माइनॉरिटीज के लिए सबसे सेफेस्ट जगह है, आज से नहीं बरसों से। यहाँ जिस तरह से हमारी आपसी भाईचारगी और हमारा जिस तरह से आपसी में एक साथ रहना सहना और एक दूसरे के साथ हर तरह से सारे संबंध, मुझे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान से अच्छी जगह कोई नहीं है। उधर जानकारों की राय में अमेरिकी आयोग की यह रिपोर्ट भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने वाली है। सरकार को इसके खिलाफ विरोध जताना चाहिए। ये हमारी अंदरूनी बात है जो हमारे यहाँ होता है। हमें अपने समाज को ठीक रखना चाहिए, गुड वर्किंग ऑर्डर के लोग जो चाहते हैं वो करें। मुझे लगता है कि ये उनकी बात मुनासिब नहीं है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट को अमेरिकी सरकार का कितना समर्थन हासिल है, लेकिन ये तो साफ है कि नस्लीय भेदभाव की घटनाओं से अमेरिका अछूता नहीं है। हालांकि अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उसकी सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।